अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका अपना शेफ शेफ फैसल हुसैन और आज हम बनाने जा रहे हैं चाइना की रेसिपी। चाइना की रेसिपी से मुराद है कि आज हम बनाएंगे चाइनीज चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन हर किसी को पसंद होता है और चाइनीज खाने हर बंदा पाकिस्तान में बहुत शौक से खाता है, लेकिन थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ। उसमें ट्विस्ट ये करनी पड़ती है कि हमें अपने मसाले ऐड करने पड़ते हैं, चिली पेस्ट ऐड करना पड़ता है, जो चाइनीज खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो किसी को पसंद नहीं आएगा अगर उसमें से चिली का कंटेंट हम हटा दें, स्पाइसी चाइनीज खानों को खत्म कर दें तो कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन जब उसमें स्पाइस लग जाता है, थोड़ा सा तड़का लग जाता है तो हमें चाइनीज खाने बहुत पसंद आते हैं। तो आज हम बनाएंगे चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन की रेसिपी बहुत ही आसान है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये चिकन थाई का मैंने पीस ले लिया था, उसे मैंने जूलियन इस तरह पतला पतला कट करके रख लिया है। इसे मैं मैरिनेट करूंगा मामा सीता के साथ, सोया सॉस के साथ, ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लोर के साथ। इन चार चीज़ों से मैं इसे मैरिनेट करूंगा। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ पास्ता आपने, अगर आपको नूडल्स मिलते हैं तो आप नूडल्स का इस्तेमाल करें। मेरे पास स्पेगेटी थी तो मैं आज स्पेगेटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्पेगेटी उबालने का तरीका बहुत ही आसान है। पानी को बॉइलिंग टेम्परेचर पर आपने लेके जाना है, उसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है, पास्ते को बॉइल करना है। पास्ता जब पक जाए तो उसे ठंडे पानी से धो के ऑयल लगा के आपने उसे साइड पर रख देना है ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। उसके अलावा मेरे पास ग्रीन अनियन है, वेजिटेबल्स के अंदर कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट है, जिंजर है और चॉप गार्लिक है। सेसमी सीड्स में गार्निश के लिए इस्तेमाल करूंगा। सॉस के लिए मैं हनी का इस्तेमाल करूंगा। क्रश चिली है, चिली पेस्ट है, सोया सॉस है, मामा सीता है और प्लेन विनेगर है। सिर्फ इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चले मैं आपके साथ रेसिपी बनाने स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बॉल ले लूंगा मैं। बॉल के अलावा मैंने चिकन उसमें ऐड कर दी। चिकन ऐड करने के बाद ये मामा सीता, सोया सॉस, ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लोर। इन सब चीजों को मैं डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूंगा। अब हम अपनी सॉस बना लेते हैं। सॉस में सबसे पहले आपने सोया सॉस, प्लेन विनेगर, मामा सीता, चिली पेस्ट जो है, आप अगर कोई और चिली सॉस भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अंदर फिर आप हनी ऐड करेंगे जो कि स्वीटनेस ऐड करेगा। उसके बाद क्रश चिली और इस तरह आपकी एक यम्मी सी और स्पाइसी सॉस तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने करना है कि पैन लेना है, पैन को आपने अच्छी तरह हीट देनी है, उसके अंदर ऑयल ऐड करना है। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो जो हमने मेरीनेट की हुई चिकन थाइस थी उसको आपने इसमें पैन में ऐड कर देना है। पैन में ऐड करने के बाद आपने थाइस को अच्छी तरह पकाना है, क्योंकि ये थाई का पीस है तो थाई का पीस थोड़ा टाइम लेता है, तो आप उसे अच्छी तरह पकाएंगे। जब थाई का पीस अच्छी तरह पक जाए तो आप उसके अंदर चॉप गार्लिक ऐड करेंगे। चॉप गार्लिक को थोड़ा सा सौते करेंगे, उसके साथ ही आप जिंजर जो जूलियन हमने काट के रखी थी उसे आप ऐड कर देंगे। तो उसे थोड़े सा सौते करेंगे, सौते करते ही साथ आपने इसके अंदर कैरेट ऐड कर देना है। कैरेट के बाद कैप्सिकम, कैप्सिकम के बाद वाइट कैबेज, वाइट कैबेज के बाद ग्रीन अनियन, ग्रीन अनियन के बाद थाई चिली। ये सारी वेजिटेबल्स को आपने ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसे टोस्ट कर लेना है हाई फ्लेम के ऊपर। आप इसे सोते करेंगे, सोते करने के बाद आपने इसके अंदर स्पेगेटी ऐड कर देनी है। स्पेगेटी ऐड करने के बाद आप उसे अच्छी तरह टोस्ट करेंगे या मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने उसके अंदर हमारी जो यमी सी और स्पाइसी सॉस हमने तैयार की थी आप उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि वो सॉस स्पेगेटी के हर कोने तक लग जाए और वेजिटेबल्स का जितना भी टेस्ट था वो सारा स्पेगेटी के साथ मिक्स होके एक अच्छा और यमी सा टेस्ट इस चाउमीन में आ जाए। इस तरह आपका चाउमीन रेडी हो जाएगा। लास्ट में हम इसके अंदर स्प्रिंग अनियन, जो कि ग्रीन अनियन होती है, ग्रीन अनियन की जो वाइट ग्रीन पार्ट होता है उसे हम टॉप के ऊपर डालेंगे और सेसमी सीड्स के साथ उसे फिर आपने सर्व कर लेना है। इस तरह आपका चाउमीन बेहतरीन किस्म का, यमी किस्म का और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ही बेहतरीन चाउमीन तैयार हो जाएगा। जब तक मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने शेफ को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।